दो दिन तो हुए थे माँ को घर आए हुए और सुबह सुबह ही माँ अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही तो ना आई थी माँ बेटे के घर। आने का कारण भी खास था। बहू की डिलीवरी हुई थी और दादी बनने का नसीब मिला था माँ को। माँ दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी अपने कॉलेज से छुट्टियां लेकर आई थी अपने पोते का मुंह देखने के लिए। एक बड़े कॉलेज में लेक्चरर होने के बावजूद माँ की सोच अभी भी ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी, जो पहले से यह सोच कर बैठी थी कि पोता होगा तो अच्छा होगा। माँ के अरमानों पर तब पानी फिर गया जब बहू ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया। हालांकि माँ यह सब अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका बर्ताव सारी बातें बयां कर रहा था। माँ को वापस जाने की तैयारी करता देख बेटा माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ दो दिन तो हुए हैं तुम्हें आने को और तुम जाने की तैयारी कर रही हो। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो कॉलेज फिर से शुरू हो गए हैं। तुम्हारे पापा और मेरे लेक्चर फिर से शुरू करने पड़ेंगे। ज्यादा छुट्टियां भी तो नहीं ली थी मैंने, जाना तो पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, थोड़े दिन बाद मैं और तुम्हारे पापा दोनों ही वापस आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह माँ नहा धोकर जाने के लिए तैयार थी। बेटा किचन से चाय बनाकर माँ को देता है। माँ बेटे को बहू और पोती के बारे में पूछती है। बेटा कहता है दोनों सो रहे हैं। माँ बेटे से कहती है, खुशी की बात है बेटा, तेरे यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया है। लेकिन मेरी मानो तो अब तुम और बहू मिलकर एक और बच्चा प्लान कर लो, ताकि तेरी फैमिली पूरी हो जाए। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें पुराने जमाने की लगी, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। बेटा अच्छे से जानता था कि माँ जो कह रही थी और जो कहना चाहती थी वह बातें दोनों ही बहुत अलग थी। बेटे ने अपने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें कई मैसेजेस माँ को दिखाए और बोला, देखो माँ, तुम्हारी बात तुमसे पहले ही दर्जनों लोग मुझे मैसेज में कह चुके हैं। हर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बेटा होता तो अच्छा होता, या फिर आगे बेटे के लिए ट्राई करो। माँ तुम चाहे मुझे जो भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम और पापा दोनों ही अभी भी पुराने सोच को पकड़े हुए हो। और ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर मेरा बेटा हुआ होता तो आप इतनी जल्दी जाने की तैयारी ना कर रही होती और उसे अपने हाथों में लेकर यहाँ से वहाँ खिला रही होती और पापा भी यहाँ पर होते। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम, फिर भी ऐसी मान्यताएं। और आप दोनों से मुझे यह उम्मीद ना थी। आप हजारों बच्चों को लेक्चर देते हो और खुद इस तरह के विचार रखते हो। अगर आप ऐसा मानते हो कि बेटा और बेटी दोनों होंगे तभी फैमिली कंप्लीट होगी, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैं अकेला क्यों हूँ, मुझे कोई बहन क्यों नहीं है। माँ के पास बेटे के सवालों का कोई जवाब न था। वो अपनी नजरें झुकाए वहाँ से चली गई। बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह बिल्कुल उनका अपमान करना नहीं चाहता था, लेकिन गलत विचारों का समर्थन करना भी उसे ठीक नहीं लगा। यह सारी बातें बहू ने भी सुन ली थी। बेटे ने उसके पास जाकर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे समझाते हुए कहा, देखो चारू, तुम्हें माँ की बातों से या किसी और की बातों से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी, मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मेरी बेटी स्वस्थ है और खुश। चारू बोली, मैं माँ की बातों से या किसी और की बातों से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं परेशान जरूर हूँ।
मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं हर दिन कई लड़कियों से मिलती हूँ। अचरज की बात है कि मुझे आज तक एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो कहती हो कि लड़की होने की वजह से उसे अलग तरीके से ट्रीट ना किया गया हो या कुछ सहना ना पड़ा हो। मैं खुद एक औरत हूँ और इस बात का अनुभव मैंने भी किया है और अब जब हमारे घर में भी एक लड़की ने जन्म लिया है तो मैं परेशान हूँ। पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, पीवी संधू, प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, किरण बेदी। लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी खत्म ही ना हो। क्या इन सब ने यह सब फेस नहीं किया होगा? जरूर किया होगा, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो साबित करके दिखाया है और जिस मुकाम पर वे पहुंची है वही हर लड़की को हौसला देने के लिए काफी है। और इन सब में जो सबसे पहला नाम आएगा जो हमारी बेटी को हौसला देगा वह होगा चारू शर्मा का, यानी कि तुम्हारा। हमारी बेटी की हिम्मत और ताकत बनोगी तुम। उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, सिर्फ महिला दिवस मनाने से या देवियों की पूजा करने से लड़का लड़कियों में समानता नहीं आएगी। यह समानता तब आएगी जब हम अपने विचारों को जड़ों से बदल पाएंगे।